तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों, क्या हाल चाल है? जिन बच्चों को एम्स चाहिए ना भाई, इस बार वो ये वीडियो उनके लिए वन शॉट वीडियो होने वाला है यार। वीडियो शॉर्ट नहीं होगा, वीडियो तो लॉन्ग ही होगा, पर वन शॉट का मतलब है सारे एम्स कवर कर दूंगा आपके। किस एम्स के अंदर कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, किस कैटेगरी के लिए, वो जो मैं बोलूँ तो आप समझ जाना। जिस और साथ में मैं सारी कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ और लास्ट ईयर की बात सब कुछ करते हुए चलूंगा आपके साथ, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो तो, और अगर एम्स चाहिए आपको और आपको पता करना है भाई कम से कम कितने नंबर पर कौन सा एम्स मिल जाएगा। प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो भी डालूंगा मैं, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए, पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए प्रेफरेंस लिस्ट भी डालूंगा, जिससे कि आप काउंसलिंग के टाइम पर एम्स को ऊपर रखकर कम मार्क्स में भी एक अच्छा एम्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बेटा कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एम्स नहीं मिलता है, इस बात को एक्सेप्ट भी आपको कर लेना होगा। अगर किसी काउंसलर ने या किसी ने आपको ये बता दिया है कि 150 नंबर पर भी एम्स मिल जाता है सारी कैटेगरीज में पीडब्ल्यूडी को, तो ये बात सरासर झूठ है। और ये बेटा मैं डेटा से प्रूव कर दिखा दूंगा आपको। देखो जो मैं डेटा आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ, वो डेटा मेरे मन से बना हुआ डेटा नहीं है, वो बेटा मैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाता हूँ, आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप एम्स की जिस भी एम्स के बारे में जानना चाहते हैं, कट ऑफ के बारे में, आप उस एम्स को विजिट करें। उस एम्स के अंदर बेटा आप जो लेटेस्ट बैच चल रहा होगा वहां पे एमबीबीएस का, उस सेक्शन में जाएं और बैच को एक्सप्लोर करें। उसके अंदर जो पीडब्ल्यूडी बच्चे होंगे वहां पर जब उनकी डिटेल में आप जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि उनके 12th क्लास में कितने मार्क्स थे और इवन उनके नीट में मार्क्स कितने थे, ठीक है? और आपको उससे अंदाजा लग जाएगा कि भैया ठीक बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। चलो शुरू करते हैं, है ना? सबसे पहले भाई एम्स दिल्ली की बात कर लेते हैं। एम्स दिल्ली के बारे में एक बात समझ लो, पीडब्ल्यूडी बच्चों में वही बच्चा एम्स दिल्ली को प्राप्त कर सकता है भाई जो पीडब्ल्यूडी में अपनी रैंक का टॉपर हो, ठीक है? और याद रखना है बेटा, जो पीडब्ल्यूडी में जो बच्चे होते हैं उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। लास्ट ईयर भी टॉपर का जो स्कोर था वो 686 था, ठीक है? इस बार भी बेटा पीडब्ल्यूडी का देखो स्कोर तो रिवील एनटीए करता नहीं, सबका स्कोर रिवील करता है, पर पीडब्ल्यूडी के टॉपर्स की लिस्ट कभी भी जारी नहीं की जाती, ठीक है? लेकिन फिर भी बेटा इस बार पक्का अंदाजा ये है जो रैंक बन रही है बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि इस बार भी पीडब्ल्यूडी के अंदर 680 प्लस वाले कुछ बच्चे मौजूद हैं। 700 किसी के नहीं आए, ये श्योरिटी भी है, ठीक है? तो याद रखना एम्स दिल्ली के अंदर बेटा जो बच्चा 600 प्लस होगा वही एडमिशन ले पाएगा जनरल पीडब्ल्यूडी केस में। अब आगे और सब कैटेगरीज की बात भी कर लेते हैं। तो जनरल पीडब्ल्यूडी के अंदर याद रखना टॉपर होने चाहिए हो आप भाई अपनी कैटेगरी में, एटलीस्ट मतलब आपके मार्क्स 680 670 के आसपास होने चाहिए, तो एम्स दिल्ली आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख लेना, नहीं तो एम्स दिल्ली मिलने वाला नहीं है, ये सच है। अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी हैं तो बेटा यहाँ पर ये आपको 600 प्लस पर जाना पड़ेगा, 600 प्लस से नीचे एडमिशन होने वाला नहीं। लास्ट ईयर भी 615 नंबर पर ओबीसी पीडब्ल्यूडी का एडमिशन हुआ था। चलो एससी पीडब्ल्यूडी बच्चा है तो मार्क्स कितने चाहिए, एटलीस्ट 500 प्लस, 500 से नीचे एडमिशन नहीं होने वाला है बेटा। आप मेरी कट ऑफ को एडमिशन के बाद चेक कर लेना, जब एडमिशन्स कंप्लीट हो जाएंगे ना तब आप इसको क्रॉस चेक कर लेना कि भैया क्या बता रहे थे। अगला, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी हैं तो 400 एक अच्छा स्कोर है आपको एम्स दिल्ली दिलवाने के लिए, ठीक है? अच्छा अब एम्स दिल्ली हो गया, नेक्स्ट एम्स की बात करते हैं, एम्स नागपुर। बेटा पेन और कॉपी लेकर बैठो, मेरे पीछे कोई डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ नहीं है जहाँ पर ये डेटा मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन ये डेटा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर अवेलेबल करवा सकता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है? चलो तो उसके लिए बेटा आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स को फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, और लिंक्स जो हैं हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है। एम्स नागपुर ले लेते हैं। एम्स नागपुर में जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चे को कम से कम 450 मार्क्स होने चाहिए, इससे नीचे हो तो 400 प्लस एटलीस्ट, मतलब लास्ट अंतिम 400 प्लस तो होने ही चाहिए, 450 के ऊपर तो बेटा एडमिशन की गारंटी ही मान लीजिए आप। लेकिन अगर आपके मार्क्स 400 प्लस हैं तो आप इसको लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं, पर फिर भी श्योरिटी नहीं होगी एडमिशन की। ओबीसी पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए भी 400 प्लस स्कोर चाहिए, ठीक है? एसटी पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए 250 प्लस स्कोर होना चाहिए कम से कम, इससे नीचे पर वो इसे नहीं ले पाएगा। एससी बच्चे की बात करें तो भी बेटा ये कट ऑफ 300 प्लस ही जा रही है, इससे नीचे नहीं जा रही, मतलब महाराष्ट्र के अंदर बच्चे जो टॉपर हैं वो एम्स को प्रेफर कर रहे हैं, एम्स नागपुर को प्रेफर कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर, ठीक है?
चलो अब नेक्स्ट एम्स की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ज़रा शुरुआत कर रहे हैं ना, इंजन गर्म होगा तो फिर भागेंगे। पेन कॉपी लेकर तैयार रहना, आपकी कैटेगरी जब आए तुरंत लिख लो। एम्स ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश के अंदर एडमिशन लेने के लिए बेटा 350 प्लस होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तभी भी 300 से ऊपर मार्क्स होने ही चाहिए। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करने के बाद ही ये स्कोर मैं आपको दे रहा हूँ। याद रखना कि पिछली बार से इस बार पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है, और उनके मार्क्स भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्वालिफाइंग, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो क्वालिफाई हो चुके हैं, उनके मार्क्स भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़े हैं, घटे नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए आपकी कट ऑफ के अंदर बढ़ोतरी ही हो सकती है, घटोतरी होने की चांसेस थोड़े से कम है। अगर हिंदी से प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो अगर एससी कैंडिडेट हो तो भी बेटा आपको 300 तो एटलीस्ट मार्क्स आपके होने चाहिए। सेव स्कोर मैं बोलूंगा 250 के ऊपर एक सेव स्कोर है जिसके अंदर एम्स ऋषिकेश को रखा जा सकता है, पर मिलने की गारंटी नहीं है। गारंटी चाहिए तो 300 प्लस वाला कैंडिडेट होना चाहिए। एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए बेटा मैं ये बता रहा हूँ आपको, आपके 200-250 नंबर भी हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। आप इसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर रख लेना। एस टी पी डब्ल्यू डी वाले बच्चे को बेटा एम्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही, ठीक है। अगर आपके 129 मार्क्स हैं तो आपको एम्स तो ज़रूर मिल जाएगा, ऋषिकेश नहीं तो कोई और सही, पर एक एम्स आपको मिल जाएगा, ये पक्का है, ठीक है। एम्स जम्मू की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जनरल पी डब्ल्यू डी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, बाकी नहीं है। तो सिर्फ एक ही जो कैटेगरी की यहाँ पर सीट मौजूद है तो कट ऑफ तो हाई जानी जानी है। तो बेटा यहाँ पर जो जनरल पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ होगी वो 350 प्लस ही रहेगी, ठीक है। मतलब आपके मार्क्स कम से कम 350 प्लस ही होने चाहिए। देखो अभी तक किसी बच्चे के मन में डाउट आया होगा, भैया रैंक्स का क्या, मेरी रैंक तो ये है, किसी की रैंक ये होगी, तो रैंक वाइज एडमिशन होता है, तो रैंक का तो बहुत बड़ा मैटर होता है एडमिशन में, काउंसलिंग में। बेटा पीडब्ल्यूडी के केस में मार्क्स डिपेंड, मार्क्स ही इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस जो है मार्क्स की है, रैंक की नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है डिटेल कि पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए क्यों कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाता है, क्यों वहाँ पर रैंक नहीं मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है। उसके अब इसमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता, आपके कट ऑफ का टाइम खराब हो जाएगा। अगला एम्स भोपाल की बात करें तो बेटा याद रखना एम्स भोपाल एक अच्छा एम्स है, अच्छा टॉप रैंक्ड एम्स के अंदर आता है। 500 से नीचे जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, लास्ट ईयर के ट्रेंड से बता रहा हूँ, उससे भी पिछले ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम 3 साल के ट्रेंड के ऊपर ये कट ऑफ आपको दे रहा हूँ। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए कम से कम 400 प्लस 400 प्लस मार्क्स हों, इससे नीचे सोचना भी मत। इसे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सेम सिनेरियो है, 400 प्लस नंबर होने चाहिए। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए बेटा यहाँ पर एसटी की सीट नहीं है, एसटी पीडब्ल्यूडी की सीट्स नहीं है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए बेटा यहाँ पर 300 प्लस स्कोर एक अच्छा स्कोर रहेगा एडमिशन के लिए। एम्स देवघर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये सारे एम्स इस लिस्ट में कवर नहीं हुए, इस वीडियो में कवर नहीं हुए, तो उसका एक पार्ट टू ले आएंगे, ठीक है। एम्स की संख्या भी ज़्यादा है भाई, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एम्स की संख्या बढ़ा दी और लगातार बढ़ भी रही है, ठीक है। और ये अच्छी बात है भाई, देश को भविष्य में इतने बच्चों मतलब इतने सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमबीबीएस की सीट्स भी ज़्यादा होनी ही चाहिए, ठीक है। और हमें ज़रूरत भी है, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ये प्रूवन फैक्ट है भाई। इसके ऊपर ऐसा नहीं कह सकते कि इतने डॉक्टर बनेंगे तो करेंगे क्या भाई, कितने बच्चे जन्म लेते हैं आप ये भी तो सोचो। खैर आप समझदार हो, इस पर हम कभी और बात कर लेंगे। एम्स देवघर के टॉप देखो, अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं तो अगर आपके बेटा नंबर 300 प्लस हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, 310 320 300 से ऊपर है, तो आप एम्स देवघर को कंसिडर कर सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 250 प्लस मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए, इससे नीचे पर ये कॉलेज मिलना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप एससी पीडब्ल्यूडी हैं और आपके मार्क्स 200 प्लस हैं, 200 के ऊपर कुछ भी, तो बेटा आपके लिए सेफ जोन में है एम्स देवघर। अगला एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बेटा कम से कम एसटी पीडब्ल्यूडी हैं आप एसटी, तो 200 प्लस आपके लिए भी सेफ स्कोर रहने वाला है। नेक्स्ट एम्स की तरफ मूव करते हैं, एम्स भुवनेश्वर काफ़ी डिमांड में भाई, एम्स भुवनेश्वर है। एम्स भुवनेश्वर के अंदर बेटा अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके 500 प्लस नंबर तो होने चाहिए, इससे नीचे नहीं हो पाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 प्लस मार्क्स होने चाहिए, इससे नीचे नहीं होगा। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए भी 300 प्लस मार्क्स चाहिए भाई, ठीक ठाक कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे भी। एसटी की यहाँ पर सीट नहीं है एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। हर एम्स में सारे पीडब्ल्यूडी के लिए सीट्स नहीं होती, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको लिखते रहें, ठीक है।
आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एम्स लिस्ट में रखना भी है या नहीं रखना। अगला एम्स बिलासपुर, एम्स बिलासपुर बेटा जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 300 प्लस पर एक सेफ चॉइस रहेगा, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 300 प्लस और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 200 प्लस, ठीक है 200 के ऊपर कुछ भी। एम्स पटना की बात करें, बिहार के बच्चों के लिए बहुत ड्रीम कॉलेजेस के लिस्ट में भाई टॉप पर रहता है एम्स पटना, और एम्स पटना में भाई जनरल पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है वो 400 प्लस रहेगी, 400 से नीचे पर एम्स पटना को कंसीडर मत करना, नहीं मिल पाएगा। ठीक, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए भी बेटा यहाँ पर 350 प्लस कट ऑफ जा रहा है, 350 कम से कम, इससे नीचे एम्स पटना नहीं मिल पाएगा, हो जाएगी आपके साथ घटना, लेम जोक मारा। चलो एससी पीडब्ल्यूडी हो तो 300 प्लस आपके कम से कम नंबर होने चाहिए, और एसटी के लिए भी बेटा यही कंडीशन है, 300 नंबर तो एटलीस्ट होने चाहिए क्योंकि एसटी पीडब्ल्यूडी बच्चे भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। एम्स जोधपुर की बात करें, राजस्थान के बच्चों की पहली पसंद, तो जनरल बच्चे के लिए 350 मार्क्स एक बहुत गुड मार्क्स के रैंक में आ जाता है। EWS और OBC PWD की बात करें तो 250 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आप इसे अपने लिस्ट में जरूर कंसीडर कर लेना। अगर आप SC PWD बच्चे हैं तो 300 प्लस आपके भी मार्क्स होने चाहिए। तो आप बोलोगे भैया OBC और EWS के अंदर आपने बताया 250 प्लस और SC के लिए 350 बता दिया आपने, क्योंकि बच्चों मुझे लास्ट तीन ईयर की कट ऑफ ये बता रही हैं कि SC क्लास के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं राजस्थान में, और 300 के ऊपर ही अभी तक एडमिशन लिए गए हैं लास्ट तीन साल में, तो इस बार भी ये सीन बदलेगा नहीं, याद रखना। खैर ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चा भी 300 प्लस पर ही एडमिशन ले रहा है, पर लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए सेफ स्कोर जो होगा वो 250 प्लस रहेगा, ठीक है। चलो क्योंकि मैंने आपको भी बताया था बेटा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होता है कि लास्ट ईयर इस नंबर पर एडमिशन हुआ है तो इस बार भी यही होगा, एक अंदाजा लगता है बेटा कि हाँ इतने मार्क्स पर तो एटलीस्ट ये कॉलेज मिल ही जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बेटा एग्जैक्ट मार्क्स नहीं होते कि 660 चाहिए तो 660 चाहिए, फिक्स स्कोर पीडब्ल्यूडी के अंदर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसका भी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप मेरे एक्सपीरियंस पे बिलीव कर सकते हो बेटा, ठीक है। यूट्यूब चैनल जरूर नया है, एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है। चलो एम्स गोरखपुर की बात करते हैं, एम्स गोरखपुर में अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी हैं 350 से नीचे कंसिडर नहीं करना है इसको, ठीक। ओबीसी पीडब्ल्यूडी है तो 350 यहाँ भी आपको चाहिए, आप 350 से ऊपर कुछ भी हो सकते हैं आपके नंबर, ठीक। एससी पीडब्ल्यूडी है तो 250 कम से कम, 250, ठीक। अगर एसटी पीडब्ल्यूडी है तो 200 के ऊपर कुछ भी है एक सेफ स्कोर है। आप बोलोगे भैया ईडब्ल्यूएस की बात नहीं की, तो ईडब्ल्यूएस की सीट यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। एम्स रायपुर की बात कर लेते हैं, तो जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चे के लिए बेटा 400 प्लस यहाँ पर सेफ स्कोर है, इससे नीचे नहीं हो पाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे के लिए 350 प्लस जाना पड़ेगा, याद रखना। और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 200 प्लस जो भी स्कोर है आपका सेफ रहेगा, एसटी पीडब्ल्यूडी की सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एम्स बठिंडा की बात करते हैं, पंजाब के बच्चों की पहली पसंद, तो खैर पंजाब के बच्चे की पसंद कोच भी हो सकती है, पर हाँ भाई एम्स बठिंडा भी काफ़ी डिमांड में है। एम्स बठिंडा के लिए जनरल पीडब्ल्यूडी कट ऑफ बेटा 400 प्लस जाएगी, 400 के ऊपर आपके नंबर हैं तो कंसीडर कर लेना ऑल इंडिया में। ओबीसी हैं तो बेटा 350 और एससी पीडब्ल्यूडी हैं तो 200 प्लस कुछ भी हो सकता है। एसटी पीडब्ल्यूडी की सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एसटी पीडब्ल्यूडी की सीट्स बहुत कम है, खैर कैंडिडेट भी हमेशा कम रहते हैं तो उनको अपने लिए तो सीट्स मिल ही जाती हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना। अच्छा अब एम्स कल्याणी की बात करके इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर इसका एक पार्ट टू बना देंगे जल्दी से, है ना। अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस रहेगा, आप अप्रिशिएशन आपका अच्छा रहेगा, चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना सकूं और आपको एक पर्सनलाइज्ड या बेटा एक बोल दो एक नॉर्मल प्रेफरेंस लिस्ट दे सकूं आपके कैटेगरी के हिसाब से। तो आपका काम है बेटा इस वीडियो पे लाइक्स बढ़ाना और इसको शेयर करना, ठीक है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम आगे बढ़ता रहेगा। अगला एम्स कल्याणी की लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए बेटा 500 से नीचे एडमिशन कल्याणी में होने वाला नहीं। ईडब्ल्यूएस की बात करें और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ 350 तक भी जा सकता है, तो मतलब 350 एक सेफ स्कोर है, इससे नीचे मुश्किल हो जाएगी। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 200 प्लस एक सेफ स्कोर है, एसटी की सीट यहाँ पर मौजूद नहीं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, बाकी बचे हुए एम्स की लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और उसके लिए आपको क्या करना होगा वो आप जानते ही हैं। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।